सुख मंडल अध्यक्ष मदन मुरारी जी, प्रमोद राय जी, विधायक श्री पांडे जी, मंत्री, मैं सबसे निवेदन करूंगा कि माननीय मुख्य अतिथि जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। इससे कड़ी में महेश पासवान जी हैं जो माननीय मुख्य अतिथि जी को स्मृत चिन्ह देकर के स्वागत करना चाहते हैं। महेश पासवान जी, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि कृपया आकर माननीय मुख्य अतिथि जी को स्मृत अब मैं अपने बीच में अपने लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय रवि किशन जी से निवेदन करूंगा कि माननीय मुख्य अतिथि जी का स्वागत करते हुए अपने विचार रखने का कष्ट करें। आदरणीय श्री रवि किशन शुक्ल जी, हम रवि किशन का बोल छू के पड़ा। और एक कर्मठ, निस्वार्थ ऐसे महाराज जी, ये इतिहास में पहली बार ऐसे भैल की कुंभ 24 करोड़ लोग भैया हो कुल में आस्था के डुबकी लगेलन। और लगन पे महाराज जी हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कैलन हो, ऐसे महाराज जी खातिर जिनकर बहुत बड़ ऋण बा हम पर कि हमके अपन शिष्य के रूप में प्रत्याशी बनौलन गड़गड़ा के महाराज जी खातिर। महाराज जी कल बड़ा ही ऐतिहासिक रोड शो करवाइल, पूरा देश पूरा दुनिया देख ले कि रोड शो का होला। और हमरे मोदी जी और हमरे पूज्य योगी महाराज खातिर पूरा गोरखपुर कैसे सड़क पे आ जाला, काले को इतिहास भाई गोरखपुर के सड़क पर। और वैसे ही साथे हम अध्यक्षता करत हमनी के आशीर्वाद के साथ डॉक्टर मंगल प्रसाद शुक्ल जी के हम प्रणाम करब, गोल छूके शीतल पांडे जी के विधायक पाड़ा उनके प्रणाम करब, अश्विनी त्रिपाठी जी आवास विकास परिषद के प्राध्यक्ष उनके प्रणाम करब, श्री रमेश सिंह जी उपेंद्र दत्त श्री रमेश सिंह जी के प्रणाम करब, श्री उपेंद्र दत्त शुक्ल जी पर भाई उनके प्रदेश उपाध्यक्ष वन प्रणाम करब, राम जियावन मौर्या जी लोकसभा संयोजक उनके प्रणाम करब, श्री राम प्रकाश शुक्ल जी प्रमुख के प्रणाम करब, डॉक्टर आर डी सिंह उनके प्रणाम करब, श्री धीरज सिंह हरीश जी के प्रणाम करब, श्री परशुराम शुक्ल जी के प्रणाम करब, श्री प्रदीप शुक्ल जी प्रभारी जी पाड़न उनके प्रणाम करब, श्री उदयधान सिंह जी प्रभारी हिंदू युवा वाहिनी उनके प्रणाम करब, रामपाल सिंह जी जिला संयोजक हिंदू युवा वाहिनी उनके प्रणाम करब, लाल जी यादव क्षेत्रीय मंत्री किसान मोर्चा उनके प्रणाम करब, विनोद कुमार मिश्र उनके प्रणाम करब, देवनाथ निषाद जी उनके प्रणाम करब, राम बेचन सिंह जी प्रधान उनके प्रणाम करब, विजय शुक्ल जी प्रधान हरपुर उनके प्रणाम करब, प्रमोद राय जी आई टी संयोजक हिंदू युवा वाहिनी सहजनवा उनके प्रणाम करब, राकेश तिवारी जी के प्रणाम करब, श्री मनोज सिंह जी के प्रणाम करब, रामनाथ पांडे जी के प्रणाम करब, रामेंद्र त्रिपाठी जी के, राम प्रताप सिंह जी के, कैप्टन ओम प्रकाश मिश्र जी के, राजेंद्र सेठ जी के, अभिमन्यु मौर्या जी के, नरेंद्र शुक्ल जी के, सत्यव्रत तिवारी जी के, छेदी सिंह जी के, छोटे लाल मौर्या जी के, रामधारी यादव जी के, परमेश्वर राज जी के, संत प्रसाद विधायक जी के, संत प्रसाद जी के, ब्रजेश कुमार सिंह पूर्व विधायक जी, संत प्रसाद विधायक खजी, अच्छा सबके प्रणाम कर। और उत्तर भरे मंत्री जी महेंद्र भैया बहुत अद्भुत से
पूरा शो का संचालन करने उनके हम कोटि कोटि नमन करब और भैया और धन्यवाद काल के रोड शो खातिर बहुत मेहनत कल पूरा हिंदू युवा वाहिनी और भारतीय जनता पार्टी के संगठन के कार्यकर्ता जी आज तक आज प्रचार 5 बजे खत्म हो जाए लेकिन जितना जान झुकलन सबके हम इतना अभिनंदन और प्रणाम के साथ धन्यवाद देव की कोटि कोटि नमन की हमरे इतना मेहनत कर भारतीय जनता पार्टी के लिए हमारे मोदी जी के लिए हमारे पूज्य महाराज जी के लिए भैया लोग का हाल बा माई लोगन के प्रणाम बहन लोगन के प्रणाम गुड़िया बच्ची लोगन के प्रणाम मीडिया बंधु लोगन के प्रणाम और ये भीड़ 45 डिग्री टेम्परेचर में भी मोदी जी का प्रेम बा पूज्य योगी महाराज के प्रेम का भीड़ बा नहीं तो भैया खून निकल जाए बुलाते बुलाते भीड़ ना निकली इतना कोशिश कर विरोधी दल खोजता दू दू चार चार आदमी लेके मीटिंग करता रहा हम विरोधी दल के प्रत्याशी के देखे भैया मुंह लुकाते लुकाते वोट मिली वोट मिली वोट मिली अरे वोट कैसे मिली का कहला समाज खातिर एक पेड़ लगा देता भैया एक पेड़ मिली अपना बिरादरी खातिर एक पेड़ लगा लेते तो तुहार बिरादरी समाज बैठ जात वही के नीचे छाया ना खून चूसला बिरादरी समाज का खून चूसला आज बिरादरी जाग गई बा समस्त देश में मोदी जी आंख खोल गलन सबका कोनो जात न कोनो पात का राजनीति अब विकास की राजनीति अब युवा जाग गया है माता बहने जाग गई है हर कोई जाग गई बा स्मार्टफोन आ गई बा हो सकते हथवा में मोदी जी कहो योगी महाराज कितना जीवी सस्ता कह दे राती के बैठ के पंडित जी बताए ना ब्याह का भूल भी देख और दिनवा में यह मालूम बा कि जात पात के राजनीति कितना खून चूस ले राजनीति कितना उत्तर प्रदेश के पिछड़ा रख ले नहीं तो 30 करोड़ की आबादी है उत्तर प्रदेश कहां होना चाहिए था इसको 10 साल 15 साल लोग राज किए न जाने कितने साल विचार पात की राजनीति में भैया वो लूट ले लोगों को तो महल बन गए लेकिन हमरे दू को साधु आईना कहला ना कि भगवान देखते हैं भेजलन भगवान जब अति हो जाता है तो 2014 में जन्म लिए प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र भाई मोदी जी हो गए 2 साल से हमारे पूज्य योगी महाराज जी का सरकार आई और देखा स्वर्ग हो गए गोरखपुर और उत्तर प्रदेश लॉ एंड ऑर्डर सम्मान अद्भुत कुंभ अद्भुत कुंभ अद्भुत कुंभ अद्भुत लोग पूरे देश का आस्था का डुबकी लगाई ना और भैया हो एक खरोच जम जाए भैया हो एक खरोच नहीं आई अरे भैया मुझे कोनो प्रॉब्लम ना है सिफाई में तू म्यूजिकल शो करा कोनो भी शो करा लेकिन हमारे कुंभ के भी तो सम्मान दे हमारे संस्कृति के भी सम्मान द हो हमारे गंगा माई के भी सम्मान द कोई पार्टी ना सोच ले 100 करोड़ की आबादी खातिर 130 करोड़ की आबादी हिंदुस्तान में 100 करोड़ की आबादी हिंदू के भैया हो लोकप्रिय विधायक श्री चेतन पांडे जी आवास विकास परिषद के उपाध्यक्ष अश्वनी त्रिपाठी जी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष अमित सिंह जी राम ज्ञान मौर्य जी रामप्रकाश शुक्ल जी आर सिंह जी धीरा सिंह नलिन जी परशुराम शुक्ल जी प्रदीप शुक्ल जी उदय भान सिंह जी मदन मुरारी गुप्त जी रामपाल सिंह जी लालजी यादव जी श्री विनोद कुमार मिश्र जी श्री देवनाथ प्रसाद जी राम लक्षण सिंह जी गिरदेश शुक्ल जी प्रमोद राय जी
राकेश तिवारी जी, मनमोहन सिंह जी, रघुनाथ पांडे जी, रामेंद्र त्रिपाठी जी, राम प्रताप सिंह जी, चंद्रमोहन प्रसाद मिश्रा जी, राजेंद्र खेर जी, हेमंत मौर्य जी, नरेंद्र ठाकुर जी, सत्यव्रत त्रिपाठी जी, शेजी सिंह जी, छोटेलाल मौर्य जी, रामहरि यादव जी, परमेश्वर राव जी, पूर्व विधायक ब्रजेश सिंह जी, राजेश राम राय जी और अति भारी संख्या में उपस्थित है। सज्जनों, विकास खंड से जुड़े हुए सभी भक्ति भाइयों बहनों, नौ 2019 लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण का आज प्रचार का अंतिम दिन है और ये अंतिम सभा भी है। मैं भी वहां बलिया सलेमपुर पांच गांव से होते हुए यहां पर आ रहा हूं और आप सबका आह्वान करने के लिए आया हूं कि पूरे देश के अंदर वर्तमान में एक ही नारा गूंज रहा है और वह नारा है कि फिर एक बार मोदी सरकार। भाइयों बहनों, हम आप सबके लिए आह्वान करने के लिए आए हैं, जो नारा देश के अंदर गूंज रहा है, जो नारा देश के अंदर है, हर महिला, हर पुरुष, हर नौजवान, हर बुजुर्ग की, उस नारे के साथ गोरखपुर को भी, सहजनवा को भी जोड़ना चाहिए, क्योंकि देश के विकास के लिए मोदी जी आवश्यक हैं, देश की सुरक्षा के लिए मोदी जी आवश्यक हैं, देश की खुशहाली के लिए मोदी जी आवश्यक हैं। 1.5 करोड़ लोगों को मोदी जी ने 5 साल में मकान दे दिए, 10 करोड़ गरीबों को 1-1 शौचालय दे दिए, 4 करोड़ गरीबों को निःशुल्क विद्युत के कनेक्शन दे दिए, 7 करोड़ गरीब महिलाओं को 1-1 रसोई गैस का कनेक्शन दे दिया, 12.5 करोड़ लोगों और सीमांत किसानों को 6,000 रुपए सालाना देने की व्यवस्था कर दी, 50 करोड़ गरीबों को 5,00,000 रुपए निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करा दी। भाइयों बहनों, आपको किसी को जिसको मकान मिला है क्या उसकी जाति देख के मिला है क्या? मकान के मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी यहीं पर मंच पर आए हैं। 2 साल में 24 लाख लोगों को अकेले उत्तर प्रदेश में मकान मिला है, 24 लाख, और उत्तर प्रदेश में 2.60 करोड़ परिवारों को 1-1 शौचालय भी मिला है। जिनको शौचालय मिला क्या उनकी जाति देखी गई? जिसको रसोई गैस का कनेक्शन मिला उसको उसकी जाति देखी गई? या मोदी जी ने विकास जाति देखिए नहीं दिया, बल्कि सबका साथ सबका विकास इस भावना के साथ किया तो वोट भी तो जातिवाद से ऊपर उठ करके देना पड़ेगा ना। सहमत हैं? सहमत हैं? आप इस बात को मानते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व, आप इस बात को मानते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में देश सुरक्षित है? मोदी जी ने सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की ना? पाकिस्तान के अंदर घुस करके मारना शुरू किया ना? और आप देख रहे होंगे भाषण मोदी जी उत्तर प्रदेश में बलिया में देते हैं और पसीना इमरान खान को इस्लामाबाद में छोड़ता है। ये है नया भारत। आपको नया भारत पसंद है? स्वाभिमानी भारत पसंद है? सुरक्षित भारत पसंद है? समृद्ध भारत पसंद है? कि कांग्रेस सपा बसपा की सरकार के समय जब दबावा भारत था वो भ्रष्टाचार से युक्त भारत, दुनिया के अंदर बदनामी करने वाला, ऐसी सरकार नहीं चाहिए ना? इसीलिए हम लोग आए हैं।
100 साल पहले मुझे उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री बनाया गया। 2 साल में हमने उत्तर प्रदेश में बड़ी तन्मयता के साथ कार्य प्रारंभ किया। सबसे पहला काम किया था हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर लघु और सीमांत किसानों का कर्ज माफी का। दूसरा काम किया बहन और बेटियों की सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन करना। तीसरा काम किया हमने कहा भी देखो गो माता को कटनी नहीं देंगे और बूचड़ खाना चलने नहीं देंगे। आपके यहाँ बीती रावत में सपा की सरकार में बूचड़ खाना खोला जा रहा था ना, याद है लोगों को? बड़ा आंदोलन हुआ था, हम लोगों ने बहुत भयंकर आंदोलन, बूचड़ खाना नहीं खोलने दिया था और हमने यहाँ के साथ साथ पूरे प्रदेश के अंदर जितने वैध बूचड़ खाने थे सबको बंद कर दिया। लेकिन उसके बाद लोगों ने अपने गाय और बछड़े सब सड़कों पे छोड़ के खेतों में छोड़ दिए। तो हम लोगों ने फिर एक और टीम बनाई, एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स। हमने कहा कि पिछली सरकारों के समय जिन लोगों ने सरकारी जमीनों पर कब्जा किया, बड़ी जमीनों पर कब्जा किया है, इसको चिन्हित करो, इसको कब्जा से मुक्त करो। कहीं गौशाला खोलो, कहीं धर्मशाला खोलो, कहीं चिकित्सालय खोलो, कहीं मेडिकल कॉलेज खोलो, कहीं इंजीनियरिंग कॉलेज, कहीं पॉलिटेक्निक, कहीं पर कोई अन्य चीज खोलने की व्यवस्था हो और इतने विकास के कार्यों को तेजी के साथ आगे बढ़ाना शुरू किया। और बाकी जो जमीन थी हमने कहा गरीबों में पट्टा बांटने का कार्य कर। हमने चौथा काम किया, 2 साल पहले भाइयों बहनों, 2 साल पहले 1 क्विंटल गेहूं का दाम एक किसान को कितना मिलता था? 900 रुपया, 1000 रुपया, ज्यादा नहीं मिलता। आज आप जाइए करें केंद्र पर, कोई किसान गेहूं लेकर के जाएगा, उसकी टोल होगी, टोल होने का पर्ची मिलेगी, 48 घंटे के अंदर उसके खाते में 1860 रुपए प्रति क्विंटल का पैसा पहुंच जाएगा। ये परिवर्तन दिखाई दिया ना? 2 साल पहले क्या आपको बिजली मिलती थी? आज तो बिजली मिल रही होगी ना, भरपूर बिजली मिल रही है, संतुष्ट है बिजली से, जवाहर को सोमन की तरह कोई बिजली चोरी तो नहीं करता है, हैं? बिजली अब मोबाइल फोन चार्ज के लिए दूसरे गांव में तो नहीं जाना पड़ता है। और हमने इसके अलावा एक काम और किया, प्रदेश में बड़े बड़े गुंडे पैदा हो गए थे, बड़े बड़े माफिया पैदा हो गए थे। हमने कहा देखो कानून का राज होगा, अगर किसी ने दोस्त को, किसी किसान को, किसी व्यापारी को मारोगे तो फिर और एक ऐलान कर दिया प्रदेश में कानून का राज होगा। और भाइयों बहनों आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में तो हम लोग पिछले 25 सालों से लड़ाई लड़ रहे थे, आज शांति है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में तो बड़ी खराब स्थिति थी, रोज दंगे, रोज फसाद, कोई पर्व त्योहार नहीं मनाया जा सकता था, बेटियां स्कूल। और आज स्थिति क्या है? पूरे प्रदेश के अंदर गुंडे और अपराधी दो ही गति हो गई, या तो जेल के अंदर है या राम नाम सत्य है की यात्रा। हर व्यक्ति सुरक्षित है और हर व्यक्ति की सुरक्षा की गारंटी सरकार दे रही है, इसीलिए हम लोग आपके पास आए हैं कि सुरक्षा हम देंगे, चिकित्सा की सुविधा हम देंगे, मकान हम देंगे, शौचालय की व्यवस्था हम लोग करा रहे हैं, बिजली हम लोग दे रहे हैं, सारी सुविधाएं आपको दी जा रही हैं। वोट पाने का अधिकारी भी तो यही कहने के लिए पॉलिटेक्निक अच्छी हो गई ना।